फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज मैंने बनाया है भिंडी दो प्याजा, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है दोस्त। अगर आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरा रेसिपी आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा। उसके लिए मैंने हाफ के जी भिंडी ली है, मैंने वॉश करके पूछ के ऐसे इस तरह काटे, और उसके अलावा मैंने एक प्याज ऐसे काटा है, एक टमाटर कद्दूकस किया हुआ है, एक ऑनियन मैंने बारीक काटा है। चलो आइए बनाना शुरू कर लेते हैं। एक मैंने पैन लिया है, अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। दो चम्मच, बड़े चम्मच ऑयल डालती हूँ। उसके बाद जो ये भिंडी है थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। अभी हम इसको हल्का फ्राई करेंगे क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा ऑयल में, कम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए हमारा भिंडी हल्का हल्का पक चुका है, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इस तरह आपने इसको निकालना है। पक चुका है ये, अभी इसी तेल में हम जो ऑनियन था ये भी ये थोड़ा फ्राई करेंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ये हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इसको हम निकालेंगे। इस तरह भिंडी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और देखिए हमारा ऑनियन भी हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसी भिंडी में इसको निकाल रही हूँ। अभी हम इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि ये जब भिंडी बनाते हैं हम अजवाइन डालेंगे तो बहुत टेस्टी होता है और ये बाई भी नहीं होता। थोड़ा अजवाइन जरूर डालना चाहिए, भिंडी का स्वाद ही अलग होता है जब हम अजवाइन डालते हैं तो। और मैं जो दो सूखी चिल्ली है वो मैं इसी में डाल रही हूँ। और मैं डालती हूँ थोड़ा सा हाफ टी स्पून हींग, अभी मैं इसमें डालती हूँ जो मैंने ऑनियन काट के रखा था वो। थोड़ा ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। देखिए हमारा ऑनियन हल्का ब्राउन हो चुका है, क्योंकि हम ऑनियन को ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम भिंडी बनाते हैं ऑनियन कच्चा कच्चा ही डाल लेते हैं तो खाने में टेस्टी होता है। अभी मैं डालती हूँ इसमें जो मैंने कद्दूकस करके रखे थे टमाटर वो। और मैं जिंजर थोड़े लंबे लंबे काटे थे इस तरह, ये भी इसी में डाल देती हूँ। और कुछ मसाले इसमें हमें ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला, हाफ टी स्पून डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर, और हाफ टी स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। तो
इसको 2 मिनट हम पकने देते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। चलो आइए खोल के देख लेते हैं, हमारा मसाला बन चुका है। हमारा मसाला बन चुका है, तो देखिए कितना अच्छा हो गया है कलर। अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 चम्मच दही। जब आप दही डाल के इस तरह भिंडी बनाते हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप चाहे राइस के साथ खाइए, किसी के साथ भी, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और टिफिन में भी डाल सकते हैं। कोई गेस्ट आए तो भी आप दे सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं जो भिंडी है वो उसमें ऐड करती हूँ, जो हमने फ्राई करके रखे थे मैं उसमें डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं डालती हूँ गरम मसाला। अभी इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया था। अभी गैस का फ्लेम मैं थोड़ा कम करके 2-5 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो आइए फ्रेंड हम खोल के देख लेते हैं इसको, हमारा भिंडी कैसा हो गया। देखिए हमारा भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए भिंडी कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया भिंडी। अभी आप इसको अच्छे से चॉप कर सकते हैं, तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। इस तरह आप ज़रूर बनाएं और मेरे रेसिपी को ट्राई करें, और कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। थैंक यू।